रायबरेली को आज ऐसा पर्यावरणीय पार्क मिला है जहां बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए तो बहुत ही कुछ है ही। यहां रायबरेली के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत भी नजर आएगी। पार्क का नामकरण भी सिखों के आराध्य गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किया गया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह के प्रयासों से निर्मित इस पार्क का उद्घाटन करने पटना साहिब गुरुद्वारे के जथेदार बलवंत सिंह यहाँ पहुंचे थे। बलवंत सिंह ने पार्क का नामकरण गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किए जाने को लेकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को धन्यवाद ज्ञापित किया। पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है 3000 मीटर वॉकिंग ट्रैक के दोनों ओर जिले से जुड़े हर महापुरुष के प्रतिमा भी स्थापित की गई। हम बता दें कि आज लोकार्पित गुरु गोविंद सिंह पर्यावरणीय पार्क सिविल लाइन में कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने बनाया गया है। मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई है तो देश के महान पुरुष के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करने के रूप में एक उद्यान का निर्माण करा पाना मेरे जैसे कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंत्री जी, इसके नामकरण में जो किया गया है सभी लोग प्रसन्न है, ये विचार कैसे आया? निसंदेह मैं समझता हूँ कि ये विचार किसी भी राष्ट्र के प्रति सोचने वाले व्यक्ति के हो ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान किया, सबसे बड़ा त्याग किया, उसको उसके प्रति अगर कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति को मिल जाए तो बड़ी बात होगी। मतलब क्या लागत रही है इसकी? लगभग लागत तो विभिन्न चरणों में मैं अभी निकाल नहीं पाया, क्योंकि विभिन्न विभिन्न चरणों में जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे इसकी धन की स्वीकृति की गई। इतना जानता हूँ कि इसके निर्माण के बाद भी 80 लाख रुपए अगले साल के अनुरक्षण के लिए भी मैंने इसी वर्ष इसका इंतजाम भी कर दिया है कि अगले वर्ष भी इसका इंतजाम बढ़िया होता रहे, अच्छा होता रहे, इसका भी इंतजाम कर दिया है। लागत के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। इसका क्या खास महत्व है? इसका खास महत्व कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी तीन तीन पीढ़ियाँ गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिताजी से कहा, और थोड़ा पीछे चलता हूँ, औरंगजेब के ज़माने में मुगल लोग जब कश्मीर के ब्राह्मणों से रोज 50 किलो जनेऊ मांगते थे, उस समय सनातन धर्म के लोग जो कश्मीर के निवासी थे उन लोगों ने जाके गुरु गोविंद सिंह से कहा कि साहब इससे बचत करिए किसी तरह। तो औरंगजेब ने कहा कि ऐसा कोई राष्ट्र का व्यक्ति आकर के मुझसे कहे कि मैं किसी भी दशा में चाहे जान चली जाए मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, जान से ज़्यादा महत्व देश को दे इस्लाम का ना दे। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिताजी से कहा, जब बहुत अल्पायु थी गुरु गोविंद सिंह जी की, तो उन्होंने अपने पिताजी को दिल्ली भेज दिया कि जाओ आप ही कहो कि चाहे मेरा सर काट दिया जाए मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। तो गुरु तेग बहादुर जी गए, पहले उनके साथियों को जलते कड़ाहे में जला दिया गया, डाल दिया गया, फिर उसके बाद रुई में भिगो करके एक उनके साथी को जला दिया गया कि शायद आप दहल जाएं, इस्लाम स्वीकार कर लें। उसके बाद वो भी नहीं, उससे डिगे नहीं तो उनका धड़ अलग कर दिया गया। सम्मानित साथियों, उसके बाद सबको पता है कि उनके पुत्रों को दीवाल में जीवित चिनवा दिया गया था। अगर उनका इतिहास पढ़ो आप सब, हम जानते हैं, तो एक बार रोए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष के लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, भारतीय जनता पार्टी की कृपा है, मोदी योगी की कृपा है, रायबरेली वासियों की कृपा है कि मैं ये उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का काम कर पाया। ये एक अपने आप में ऐसी चीज़ है। सम्मानित साथियों, अगर कोई भी गर्भवती महिला जो व्यायाम करने से स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, हमारे इस उद्यान में महिलाओं के लिए वात्सल्य योगा पार्क का निर्माण किया गया है जो लताओं बेलों से ढका होगा, महिलाएं सिर्फ वहां जा करके योगा कर पाएंगी। स्वस्थ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, सबके लिए वात्सल्य योगा पार्क का निर्माण कराया गया है। सम्मानित साथियों, इसके अलावा बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से अधिक की उम्र के लोग हैं उनके लिए सत्संग भवन है, यहाँ पर आकर के खुली हवा में सत्संग कर सकते हैं। हर तरह के उपकरण वाद्य यंत्र उस सत्संग भवन में होंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर हर मोड़ पर
एक रायबरेली की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया गया है, जो अगली पीढ़ियों को बताएगा कि गर्गर ऋषि कौन थे, गोकर्ण ऋषि कौन थे, डालब ऋषि कौन थे, आस्तिक मुनि कौन थे, महर्षि जमदग्नि कौन थे, बीरापासी कौन थे, राणा बेनी माधव कौन थे, आचार्य महावीर प्रसाद कौन थे, लाल चंद स्वर्णकार कौन थे, सबका इतिहास सहित उनका लिखा हुआ है। तो अगली पीढ़ी आएंगी और पढ़ेंगी और देखेंगी, हमारी रायबरेली की सांस्कृतिक धरोहर चिरस्थायी होगी, ये मैं समझता हूँ। इस पर अभी विचार नहीं किया गया।